तो गाइस हम जीप में बैठ चुके थे, जीप मिली थी हमें सम के लिए, तो हम बैठ गए इसमें। सब जने आगे चल रहे थे जैसे सम के लिए। गाइस यहाँ से रेगिस्तान आ चुका था, पूरे में मट्टी मट्टी हो रखी थी, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर ली और पूरा सुनसान पड़ी थी। सर गाड़ी गाड़ी चल रही थी, आगे कुछ नहीं खाली रेत ही रेत थी। अब आपको मिलते हैं जब समझा। तो गाइस अभी हम सम में पहुंचे हैं, अभी आधा रास्ता बाकी है सम का। यहाँ पर बहुत सारी जीप ही जीप खड़ी थी, थार, क्योंकि ज़्यादातर सम के अंदर थार ही चलती है क्योंकि फोर बाई फोर होती है ना। और एक आगे हेलीपैड था जहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर खड़ा होता है, वो भी है यहाँ पर। और हम थोड़ी दूर आगे चले तो हमको एक बहुत सारी गाड़ी गाड़ी खड़ी थी, इधर कैंप है ना रुकने के लिए बीच में। और आगे जाकर हम देखा तो ऊँट ही ऊँट दिख रहे थे, क्योंकि ऊँट की सवारी होती है ना इधर, ऊँट सवारी कहते हैं। ये पूरी रेगिस्तान ही है इधर और पूरा ऊँटों का है इधर। ये देखो ऊँट ही ऊँट खड़े हुए हैं। और ऐसे ही सफर आगे चलता रह रहा था हमारा। और एक आगे पेट्रोल पंप भी है, हमें आधे रास्ते तक वो ऊँट ही ऊँट दिख रहे थे। जैसलमेर से 40 किलोमीटर सम है, जैसलमेर पार करते हैं पूरा रेगिस्तान है। और हम खूब मजे करते हुए जा रहे थे, पीछे खड़े हुए थे। ये देखिए बड़ी ऊँची ऊँट है, और ये होटल था बीच में रेगिस्तान में। तो गाइस हमने सम पहुंच चुके थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था और हम थोड़ा घूमने के लिए आए थे इधर। ये पूरा आगे ना जंगली जंगल था, उधर हम थोड़ा आए थे घूमने के लिए तीनों जने। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर आपको कल मिलेंगे छोटे से ब्लॉग में। अभी तो हम घर पर आ चुके हैं, रात को हम जाएंगे घूमने के लिए, ऊँट सवारी करेंगे और रेगिस्तान के बीच में जाएंगे।